Hello and very warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब आने वाला है इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब जेल से भाग कर आ चुका है बाहर और कोई नहीं बल्कि सभी का सबसे बड़ा दुश्मन सैम, यानी कि समृद्ध। और आकर एक बार फिर से उसने दूर्वा को झूठी मूठी कहानी सुनाई, अपने प्यार में बहका दिया, दूर्वा से मिलने की कोशिश की और उसके बाद दूर्वा पूरे तरीके से चली गई और बहक गई सैम के नक्शे कदमों पर। सैम की हर बात को सच मान लिया दूर्वा ने और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमें जुदा करने वाली, हमारे रिश्ते को तोड़ने वाली सभी से हम अपना बदला लेंगे और ऐसे में सभी का कर लिया कॉलेज से किडनैप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दूर्वा अपने ही कॉलेज के अंदर सैम को एक बहुत अच्छा और रईस इंसान बनाकर ले आती है और उसका मुंह छुपा देती है। ऐसे में कोई नहीं पहचान पाता कि कॉलेज के अंदर सैम यानी कि वो इंसान आ चुका है जिसने दूर्वा की जिंदगी और सभी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी और यहाँ बहला फुसला कर गलत तरीके से सभी का किडनैप करके उन्हें ले चलते हैं ये दोनों बाहर। वेल, ऐसे में आपको बता दे कि सभी का किडनैप हो चुका है और दूर्वा भी इन सब में शामिल है। हालांकि दूर्वा का चेहरा अभी तक सभी के सामने नहीं आया है, सभी के सामने सिर्फ और सिर्फ समृद्ध खड़ा है और उसके सर पर बंदूक तान रखी है, सभी के हाथ पैर बांध रखे हैं, बहुत पिटाई भी की है। ये सारी पिटाई दूर्वा ने की क्योंकि वो उससे हर एक बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। उसके अंदर सभी के लिए इतनी जलन भरी हुई है कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती सभी को तकलीफ देने का। इसीलिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब बाजीराव राणे सैम यानी कि समृद्ध को ढूंढता हुआ उस गोडाउन में पहुंचेगा और वहीं ईशान सभी को ढूंढता हुआ पहुंचेगा और दोनों मिलकर सभी को बचाने की कोशिश करेंगे। वेल, कहानी में आने वाला ये नया ट्विस्ट, ये नया लव ट्रायंगल आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।